हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया किंगडम मोरिंडा का जो सोल मेंबर होता है उसे कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप में होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सबसे पहले आए थे। एंड यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स यू वर्ड मीन्स होता है ट्रू, और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसे कहते हैं और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया थ्री टाइप्स होते हैं। एक फर्स्ट थर्मो एसिडोफिल्स, वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में, मींस एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। एंड हेलोफाइल्स, वो जो सॉल्टी और मैरीन बैक्टीरियाज होते हैं, जो सॉल्टी बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइल्स। और एक होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जैसे नाम इंडिकेट करना है, मिथेन मतलब मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो होते हैं मिथेनोजेंस। इसमें बायोगैस की काउ डंग्स या पफेरो डंग मतलब एनिमल डंग से जो भी प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं मीथेन। और वो और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो होते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। नाउ बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं साइनो बैक्टीरिया, एक दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया देखो, और यू बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो एसेशिया कोलाई, मतलब ई कोलाई भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो जो इसके दो कैटेगरीज हैं, यू बैक्टीरिया के दो कैटेगरी हैं, एक साइनो बैक्टीरिया एंड दूसरा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि साइनो बैक्टीरिया में ग्रीन एल्गी की तरह इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ग्रीन बैक्टीरिया की तरह करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसीलिए को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वो होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन ये मेनली होते हैं डिकम्पोजर्स। मेनली दे आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स तो साइनो बैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में जो एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, फुल फॉर्म है बीजीए का, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, वो आते हैं नोस्टॉक एंड एनाबिना। नोस्टॉक एंड एनाबिना, इनका जो मेन रोल है ये जनरली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होता है हेटरोसिस्ट, जो एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसीलिए जो क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये है साइनो बैक्टीरिया के बारे में। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें जो होते हैं मेनली डिकम्पोजर्स। नाउ सो यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स, कोकाई, राउंड शेप होते हैं, बैसिलाई, रॉड शेप होते हैं, स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप, विब्रियो कोमा शेप, विब्रियो कोलरी इसमें एग्जांपल्स हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो यू बैक्टीरियाज होते हैं वो चार टाइप में, और या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं शेप, स्ट्रक्चर और शेप। तो शेप के बेसिस पे ये मेनली चार टाइप्स हैं बैक्टीरियाज के। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए कहा जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, इसलिए करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक, जो कि जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उन्हें कहा जाता है सेप्रोफिटिक। और सिम्बायोटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक है किसके बीच में? एल्गी एंड फंगाई के बीच में, एल्गी प्लस फंगाई। और ये काम करता है
एज ए एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। और कौन सा पोल्यूशन ये बताता है? मेनली सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये है लाइकन के बारे में या फिर सिम्बायोटिक बारे में। हमें दो दो पार्टनर होते हैं, एक एल्गल पार्टनर, फंगल पार्टनर। तो हम एग्जांपल दें लाइकन की, वरना और बहुत सारे सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक टाइप के एग्जांपल्स हैं, जैसे माइकोराइजा वगैरह। तो एल्गी यहाँ पे देता है फूड, फंगाई देता है शेल्टर। आपस में म्यूचुअलिज्म मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन का होता है, इनकी वजह से ये सिम्बायोटिक एल्गी सेल्फ सिम्बायोटिक है, प्रोसेसिंग का होता है। थर्ड पैरासिटिक डिपेंड ऑन होस्ट, मीन्स इनको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। नाउ और जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, जो यू बैक्टीरिया को दो टाइम में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास एक थिक पेप्टोगाइकल लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास एक थिन पेप्टोगाइकल लेयर होती है। और हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बहुत ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑलरेडी, जो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।